अच्छा मोदी जी कहते हैं गरीब भी मेरे परिवार है, लग रहा है गरीबों के लिए कोई काम। गरीबों को जो गरीब बना दे उसको क्या बोलोगे आप? गरीब बना दिया है। अच्छा क्या तो कहते हैं कि मैं तो गरीब के लिए काम कर रहा हूँ, गरीबों की सरकार है मेरी। आपको कुछ फायदा हुआ उससे? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको कुछ फायदा हुआ, थोड़ा कुछ बढ़ाया आपका मतलब ग्रोथ, मतलब आया आपके अकाउंट में 15 लाख? देश में ग्रोथ नहीं दिख रहा है मोदी सर। मेरे को नहीं दिख रहा है ग्रोथ, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ। क्या लग रहा है आपको, विकास नजर आ रहा है? मोदी जी ये कहते हैं कि केजरीवाल ने घोटाला किया है चुनावों के, चुनाव के प्रचार के लिए पैसे के लिए। ये मोदी कहाँ से ला रहा है? अपने जो प्रचार कर रहा है क्या घर से ला रहा है? ये कहाँ से पैसे खर्च कर रहा है? ये रैली निकाल रहा है, ये इतने रैली में पैसे खर्च कर रहा है, गरीबों के लिए क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, करोड़ों की रैली में पैसे लगा देते हैं ये लोग, इनके पास कहाँ से? मोदी के लिए तो कोई जवाब नहीं उठाता कि भाई तू पैसे कहाँ से खर्च कर रहा है, मुझे बताओ। हाँ। ये लोग ये कहते केजरीवाल से कह रहे हैं कि भैया नहीं, केजरीवाल से कहते हैं कि भाई तूने ना ये घोटाला करके अपने चुनाव प्रचार किया है, मोदी कहाँ से ला रहा है मुझे ये बताओ। मोदी कहाँ से ला रहा है पैसे? किसके ये बाप लेकर है क्या? किसी दादाओं की जमीन जाते हैं उसे ला के अपने चुनाव प्रचार कराइए? इतना ये चुनाव प्रचारों में लग रहा है, रैलियों में लग रहा है, इतना तो गरीब किसी को ला के देखे? मोदी ने किसी को लगाया गरीब के लिए? बताओ, किसी के लिए कुछ कर दिया तो बता दो। तो क्या लगता है देश का पैसा जो है वो सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रहा? कोई पैसा किसी सही जगह पर नहीं हो रहा, खाली अपनी राजनीति में ही खर्च कर रहे हैं, ये कोई पैसा नहीं हो रहा। एक चीज बताओ, यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई भी जाके देख लो, इतने लोग बेकार डोल रहे हैं, भीख मांगते डोल रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, क्यों डोल रहे हैं? इसी कारण डोल रहे हैं कि रोजगार तो है नहीं। क्या लग रहा है देश का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है? देश का पैसा सही जगह नहीं इस्तेमाल हो रहा, गलत, वो अपना निजी स्वार्थ उसे पूरा कर रहे हैं, बस निजी स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। हाँ क्या? अच्छा मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार है, हम लग रहा है गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, ये सब बहुत पहले चल रहा है, कोई भी सरकार आती है वो कहती है गरीबों के लिए सरकार है, लेकिन वो काम अमीरों का ही करती, पूंजीवादियों का काम करती, कोई कम करती कोई ज्यादा करती। मोदी जी तो पूरी तरह से ही पूंजीवाद में ही लिप्त है बस। अच्छा गारंटियों को लेके क्या आपका विचार है? मोदी जी का गारंटी के जुमले का नाम बदल के गारंटी कर दिया गया अब। अच्छा। हाँ, पहले जुमला होता था, फिर जुमला बहुत प्रचलित हो गया। हाँ। लोग समझ गए तो कहने लगे नहीं अब जुमला हटाओ, गारंटी कर दो, गारंटी नया नाम है। अच्छा। लोग हाँ, मतलब जुमले को गारंटी बताया। हाँ, गारंटी बताया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार है, किसकी सरकार आने वाली? गठबंधन की। गठबंधन, इंडिया गठबंधन की। मोदी जी के काम पसंद नहीं आ रहे? मोदी जी ने कोई काम ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया। मोदी जी कह रहे हैं कि हम अपने 10 साल के काम अलावा कोई काम ही नहीं किया। हाँ। सिर्फ जुमले। हाँ। सिर्फ जुमले दिए जी, सिर्फ जुमले दिए। हाँ। अच्छा क्या लगता है गठबंधन कह रहा है कि अब एक साथ आ गया है तो भाजपा पूरी साफ हो जाएगी? भाजपा साफ हो जाएगी पूरी। हाँ। लग रहा है। अच्छा मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो पाएगा? 400 पार 200 नहीं पार हो पाएगा, 400 कहाँ से पार होगा इस बार? 200 भी नहीं पार हो पाएगा? नहीं पार हो पाएगा। कह रहे कि 200 भी नहीं पा। देखो देखो मोदी जी के जुमलों के बारे में, बचपन से माने कितने सपने दिखाए थे, बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए ये दिलाऊंगा, बेटी ये दिलाऊंगा, है ना, सब तो पूरे नहीं होते। पॉइंट ये है कि जिसके हाथ में सरकार है अभी उसे नॉर्मली काम करने दें, इलेक्शन में लड़ा अपोजिशन का पोजिशन का दोनों पैसा खराब होगा, है ना, तो पैसा हमारे देश का ही है, नेता कोई कमा कर लाता नहीं। बाकी बिहारी भाई अपने लालू प्रसाद यादव जी बड़े आदमी, पर गठबंधन की बात नहीं, बात देश की चल रही, देश की बात चल रही। नहीं रुकिया भाई, हाईवे बनाया उन्होंने, आप 5-6 घंटे के अंदर, पहले 8-8 घंटे लग जाए हरिद्वार पहुंचने में, आज अब गाड़ी निकालो कश्मीर गेट पास 3 घंटे कुछ मिनट में पहुंच जाते हैं। तो देखो काम करें भाई, गरीब लगा तो मोदी जी ने देखो सहमत है इनकी बात। हाँ हाँ एकदम ठीक बात। माँ बहनों देखो ये नहीं सोचा लिया हमने चाटने खाने पर, माँ बहनों की क्या लगता, कह रहे हैं कि बहुत काम किए हैं, हाईवे बनवाए हैं। किसने काम किया है? भाजपा ने। भाजपा ने। हाँ। काम तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा सरकार में रहकर, लेकिन जो वादे किए थे वो नहीं पूरे किए। हाँ। वादे उन्होंने वही पूरे किए जिससे उनका वोट बैंक सदे, वोट बैंक के गणित सदे बस। हाँ। अच्छा योगी जी कह रहे हैं कि मोदी जब से आए तो भारत का तकदीर बदल दिए, तस्वीर बदल दी है। योगी जी कह रहे हैं, योगी जी देखिए बहुत कुछ कहते रहते हैं, खैर योगी जी ने एक वो भी बयान दिया था कि हम जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, देश दुनिया में जाते हैं बाना नहीं बदलते, एक ही बाना पहन के जाते हैं। हाँ। तो एक तरह से कटाक्षी करा था मोदी जी के ऊपर कि दुनिया में जैसे जाते हैं अलग अलग बाने पहनते हैं, तो मोदी और योगी जी की तो कुछ नहीं बन नहीं गया, तो उसमें क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ। नहीं मैडम, एक बार मेरा लेना बात सुनिए, नेट नेट एक मिनट, नोटबंदी ठीक है, पॉकेट मार नोट चुराता है, अभी तो चप्पल भी चुरा रहा है यहाँ चांदनी चौक में। अच्छा। तो नोटबंदी क्यों किया? 500 का खाली नोट रखा है। हाँ। पहले का नोट कितना अच्छा था। हाँ। मतलब नोट
नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा क्या, अच्छा नोट था पहले का, ये है ना, एक बार नहा लेगा ना, आज जेब में अगर भूल गए रात में काम करके आए, जैसे ईटा ढो के आए या सीमेंट के ढो के आए, आज नहा लिया मैं सुबह कि काम पे जाना है, और नोट पुर, अब पहले का नोट तो तुर नहीं होता था, ये क्या किया है, जनता के साथ सिर्फ खराब की है। और मैं बात बोल रहा हूँ, नैन मोती ने जो न्यायमुद्दीन में जो बुलाया था, किसको बुलाया था, नाम बताइए आप, अब आपसे पूछते हैं, आप हमसे मत पूछे, आप सवाल पूछ रहे हैं ना, आपको काम किसका पसंद आ रहा है, हमें काम नहीं पसंद है, किसका नहीं पसंद है? अरे पैसा रहना चाहिए में, हाँ। काम करते इतना दिन भर मेहनत करते, अब पैसा सुबह निकल जाता है, ये रहते हैं, ये खा ले नशे का चीज, दारू फ्री में मुफ्त का मिल रहा है, 50 रुपए दो मिठाई बोलो, दारू पी के लुड़केगा, आपका कुटमारी होगा, ये छोड़वाए, खत्म करे, दारू बंद करे, दारू बंद करेगा। हाँ अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि महंगाई पे नियंत्रण किया है हमने, क्या किया, नोट है ही नहीं जेब में, 500 का नोट रखा है, 200 का नोट, 100 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 2000 का कहाँ गया, 2000 का नोट तो हमको पसंद भी नहीं था, ना 500 ये पसंद है, पहले का नोट जो पुराना था कहाँ गया, उसको लाओ। अच्छा कह रहे हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, रिलैक्स हो, पॉइंट पकड़ना मेरा, बहुत बड़ा पॉइंट है, आप सुबह सोचना इस बात को, रिलैक्स हो। तो क्या किसका काम पसंद आ रहा है आपको, किस सर, अरविंद केजरीवाल जी का और गठबंधन का काम पसंद आ रहा है, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी तो खोती हुई नजर आ रही है, डर रही है भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी जो शहीद भगत सिंह जैसे सिपाही देश के अंदर, आपने देखा था पहले देश के अंदर क्या चलता था, पहले देश के अंदर अंग्रेजों द्वारा शहीद भगत सिंह को प्रताड़ित किया जाता था, उनको जेल में डाला जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों का रोल निभाकर अंग्रेजों की वेशभूषा में वेशभूषा धारण करके और अरविंद केजरीवाल जी के जैसे सच्चे सिपाही को जेल में डालकर लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, ये देश का हर नागरिक समझ चुका है, हर देश का वोटर समझ चुका है, इस देश के अंदर बदलाव होगा और बदलाव निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है, बदलाव जरूर, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र की हत्या नहीं होती तो इंडिया गठबंधन होता जी। आप देखिएगा सारा इंडिया, इंडिया कभी हारा नहीं है, ये इंडिया के इतिहास रहा है, अपोजिशन हारा है, इंडिया नहीं हारा, भारत एक हो चुका है लोकतंत्र को लेके, आज भारतीय जनता पार्टी डरी सी नजर आ रही है, मोदी जी को नींद नहीं आई कल, अच्छा कल जो आपने देखा रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था, आप रिपोर्टिंग कर रहे होंगे वहाँ सारा कुछ देख लिया होगा, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई देश में, खत्म हो रही है, ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं देश में, ये गलत साबित होगा देश के अंदर, क्या लग रहा है, कह रहे भाजपा खत्म हो गई है, 400 पार का नारा गलत होगा, नहीं नहीं इसके कि भाजपा खत्म हो रही है, हाँ। और भाजपा में लोग विधायक आए जा रहे हैं रेल लगा के आ रहे हैं मैडम जी, हाँ। हर पार्टी से तो सारे विधायक आ रहे हैं बीजेपी में, और ये कह रहे बीजेपी खत्म हो रही है, देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे खत्म हो रही है, हाल ही में 5 विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता घटती हुई नजर आई, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट बैंक मिला था और 2019 में पुलवामा के शहीदों की लाशों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जो वोट बैंक मिला था ना, उसका लेवल डिक्रीज होता हुआ नजर आया जी। आप देखिएगा ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी खत्म होती हुई नजर आ रही है ब्रदर, कैसी बात कर रहे हैं, लोकप्रियता अगर इंक्रीजिंग होता ना उसका लेवल, तो उनको वोट बैंक शेयर पहले के मुताबिक ज्यादा मिलता, लोकप्रियता बढ़ती, 400 पार का नारा इसलिए जो है घटता हुआ नजर आ रहा है, घटेगा, जनता ने घटा दिया, देश के अंदर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, देश के अंदर जो जनहित में काम करता है अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा सिपाही जो देश हित में काम करता है, उसको प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ये देश का नागरिक नहीं सहेगा, देश ये संविधान से चलता है, उस संविधान को डिस्ट्रॉयड करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये देश के अंदर ये नहीं चलेगा, देश का हर वोटर जान चुका है, हर युवा जान चुका है, किसानों का मुद्दा रहा, आपने देखा किसानों को कितना प्रताड़ित किया गया, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर झूठे, वो कहते हैं ना लॉलीपॉप फेंकती है, झूठे प्रलोभन देके वोट बैंक गेन करना चाहती है, ये देश के अंदर नहीं होगा, जनता जान चुकी है, हर वोटर जान चुका है, जो संविधान से प्यार करता होगा, जो इस देश के सैनिकों से प्यार करता होगा, उनकी शहादत से प्यार करता होगा, सीआरपीएफ के जवानों को शहीद कराने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर खो जाएगी, आपने देखा सत्यपाल मलिक जी क्या कहते हैं अपनी स्टेटमेंट के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कह दिया देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019
19 का जो इलेक्शन लड़ा था वो शहीदों की शहादत पर लड़ा था, शहीदों को शहीद कराकर सैनिकों को सैनिकों की लाशों पर लड़ा था उन्होंने चुनाव। ये देश के अंदर अशोभनीय है। जो सैनिकों से प्यार करता होगा, सैनिकों के शौर्य से प्यार करता होगा, सैनिकों को उस सैनिक से प्यार करता होगा जिस सैनिक के रेफरेंस से आज हम सेफली हैं यहाँ देश के अंदर। आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहे हैं। ये एक सेफली का रेफरेंस किसका है? सेफली का, सेफ्टी का। ये रेफरेंस हमारा सैनिकों को जाता है। वो मोदी जी देश के अंदर सैनिकों की जो है ना बेकदरी हो रही है देश के अंदर। सेना जो है ना, सेना पे अगर कोई तेज बहादुर का वीडियो देखा था आपने, उसको खाने के लिए खाने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। देश के अंदर बदलाव होगा, बदलाव।